नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 16 प्लस ईयर ओल्ड फीमेल और फॉरेन कंट्री में रहती हैं। इनके फादर का कहना है कि कुछ स्कूल में प्रॉब्लम हुई जिस कारण इनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहने लगा और जिसका असर पढ़ाई पे भी आया। तो अब आगे फ्यूचर क्या दिखता है, आगे पढ़ाई का क्या सीन है और लाइफ कैसे रहने वाली है, अब हम इनके पाम के द्वारा जानेंगे कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं पाम को तो अच्छा सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखता है। अब यहाँ पर हाथ में अगर देखें तो ये देखिए 16 वर्ष की एज जो है, 16 इयर्स की एज में यहाँ पर ये देखिए ये यव का चिन्ह आया हुआ, आयरलैंड का चिन्ह आया हुआ है, जिसके कारण चीज़ें डिस्टर्ब हो गई और मेंटल स्ट्रेस इनका बढ़ गया और लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अब बात करें, देखिए यहाँ पर हाथ में ये कट्स का आना, ये इस टाइप के कट्स। अब देखिए जैसे ही इसका फेज़ ख़त्म होगा ऑलमोस्ट 18 इयर्स की एज में, ये देखिए 18 इयर्स तक की एज में तब चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ों में ग्रोथ सक्सेस दिख रही है, तो ये बेटरमेंट दिख रहा है। एक में यहाँ इनको थोड़ा अलर्ट करूँगी, तकरीबन 25 इयर्स की एज के आसपास, 28 तक की एज में थोड़ा इनको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर भी ये अब का चिन्ह है, इसके लिए मैं इनको रेमेडी सजेस्ट करूँगी जिससे कि ये जो जब ये फेज़ आए तो चीज़ें उतनी हार्ड ना हो, 90% उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद का जो समय है वो और बेटर होता जा रहा है। चीज़ें थोड़ा सा जैसे कोई रिलेशनशिप इशू आना, ये करियर में स्लो डाउन आना, ये चीज़ का इशू इस तरीके से दिख रहा है, तो वो चीज़ के लिए इसके लिए मैं इनको रेमेडी बताऊंगी। वो रेमेडी करने से ये अभी टाइम पीरियड काफ़ी दूर है तो चीज़ें उस समय तक आते आते ये फेज़ बहुत आसानी से गुजर जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर आगे लाइफ में होती भी दिख रही हैं। बेसिकली जब भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, मेंटल स्ट्रेस आता है, तो उसका असर कहीं ना कहीं माइंड लाइन पे दिखता है। इनको सिंपली जो है मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लें, उससे माइंड लाइन इम्प्रूव होगी। ये यव का चिन्ह जो है ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, रेखाएँ बदलती हैं समय के साथ साथ, रेखाएं बदलती हैं, रेमेडी करने से भी लाइंस में जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। तो डेली इनको मेडिटेशन कराया जाए तो मेडिटेशन करने से ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अब इनकी लाइफलाइन की बात करें, लाइफलाइन बहुत अच्छी है। देखिए मेंटल स्ट्रेस अपनी जगह है लेकिन कोशिश अपनी जगह है, ये देखिए ये बहुत अच्छी लाइफलाइन है, बहुत इम्प्रूव्ड सॉर्टेड लाइफ लाइन है। यहाँ पर छोटे छोटे से हमें कट्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन के थोड़े स्ट्रगल्स, थोड़े अप्स एंड डाउन्स बताते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, जीवन में आते ही हैं, सक्सेस पाने के लिए इंसान मेहनत करता ही है। लेकिन यहाँ पर लाइफ लाइन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आइलैंड का चिन्ह नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये अपनी हेल्थ इशूज़ से बाहर आ जाएंगी, हेल्थ इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीती हुई ये आगे दिख रही हैं। तो यही फ़ायदा होता है टाइमली गाइडेंस का। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 16 इयर्स की एज पे ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखा, लेकिन ये देखिए ग्रोथ की रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है, तो आगे ग्रोथ भी जीवन में बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इनके हाथ में बात करें तो ये हार्ट लाइन ये देखिए, ये थोड़ी डिस्टर्ब होना, जैसे कि दिल दुखना, तो इसमें अभी रेडनेस दिख रही है, थोड़े से आइलैंड के चिन्ह भी इस प्रकार के दिख रहे हैं, तो अब इसमें रेडनेस दिखाई दे रही है। तो रेडनेस दिखने का मतलब होता है कि ये आइलैंड का चिन्ह की किसी से धोखा मिलना, किसी से कोई परेशानी मिलना, ये चीज़, तो हमेशा इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेती होंगी ये, इसी कारण ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आती है। तो अब ये जैसे ही अपने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएंगी अपने अंदर और अपनी विचारधारा इम्प्रूव करेंगी, रेमेडीज़ करेंगी, तो अपने आप ये चीज़ों का प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। अब ये देखिए क्या होता है, धोखे उन्हें ज़्यादा मिलते जो काफ़ी दिलदार होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखा, यहाँ गुरु पर्वत तक जा रही है, बहुत हेल्पफुल, ऐसा नेचर होना कि लोगों की चलो जाओ लाओ मैं जल्दी से हेल्प कर देती हूँ, तो इस तरह से क्या होता है लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, वही चीज़ इनके हाथ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आते हैं इनकी भाग्य रेखा पर, देखिए भाग्य रेखा की बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये
अब देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं गर्ल्स का राइट हैंड देखना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए, कौन सा देखें। अब यहाँ पर मैंने राइट हैंड से शुरू करा है क्योंकि राइट हैंड कर्म का हैंड होता है और राइट हैंड क्या होता है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है, हमारी लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, हम क्या करने वाले आगे, हम क्या बनाएंगे अपने जीवन में, इसलिए मैंने राइट हैंड चुना है। और लेफ्ट हैंड वो होता है जिन चीज़ों के साथ हम बॉर्न हुए हैं, जो जो चीज़ें हमें ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दी हैं उनके साथ। तो राइट हैंड में हम देखेंगे कि जीवन में क्या कर पाएंगी। यहाँ पर इनकी एक बात मैं बोलूँगी, एजुकेशन की रेखा बहुत अच्छी है, अच्छी एजुकेशन भी ये ले पाएंगी। यहाँ पर भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा पतली पतली ये चल रही है, देखिए यहाँ से चलनी शुरू हुई, ये चलती हुई आगे, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक मछली का चिन्ह बन रहा है। तो अब धन की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत कमाएंगी, पैसा बहुत होगा इनके पास में। और यहाँ पर बात करें इनके, देखिए 16 ईयर्स की एज पे बात करें तो यहाँ पर एक कट हमें दिखा, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें चलती जा रही हैं, कट्स हमें दिखे लेकिन चीज़ें चलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। थोड़े बहुत कट्स हैं, थोड़े हर्डल्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें रुक नहीं रही हैं। और इनकी बात करें तो 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत बेटरमेंट की ओर ये चल रही हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लग रही है। अब यहाँ पर देखिए लाइफलाइन के साथ एक इस प्रकार से लाइन इधर आ रही है, तो कहीं जैसे बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाके भी भाग्य उदय होता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पर बात करेंगे इनके हाथ में एक बुद्ध रेखा की, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बुद्ध रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी है, बुद्ध रेखा अच्छी है। बुद्ध रेखा जो है ये बताती है कि ये कोई अपना काम भी करेंगी, सेल्फ वर्क, कोई स्किल बेस्ड वर्क, सेल्फ अपना कोई बिजनेस, अपनी कोई कंसल्टेंसी वर्क, ये उसके लिए हैंड बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी बनी हुई है और सेविंग्स के लिए मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर देखें ये देखिए इस प्रकार से ये जीवन का ग्राफ, शुरुआती जीवन में मेहनत है लेकिन बाद के जीवन में काफ़ी कम्फर्ट और आराम मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर ये गुरु की फिंगर इधर की ओर टिल्टेड है, ऐसे में क्या होता है इंसान अपने परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करता है। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर में थोड़ी सी गुरु की फिंगर बड़ी है, अपने काम को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं ऐसे लोग और काफ़ी स्वाभिमानी भी होते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रही, काफ़ी डिफरेंस है, तो भोले स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं, भोलेपन के कारण। तो ये जैसा होता है ना जल्दी विश्वास कर लेना लोगों पे, समझना कि वो भी मेरी तरह से ही हैं, इस तरह की चीज़ें होना, पर फिर भी ये देखिए प्रोफेशनल माइंड बहुत शार्प है इनका, लॉजिक रीजनिंग एनालिटिकल पावर अच्छी रहेगी इनकी। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स पे, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में कुछ इस प्रकार का ये उन्नर लूप है, ऐसे लोगों को जीवन में थोड़ा सा सक्सेस आने में, थोड़ी कठिनाइयों के बाद सक्सेस आती है, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस आती है, बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्ञान होता है ऐसे लोग के पास में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए नेगेटिव लाइंस बहुत हैं, ये देखिए अननेसेसरी हर्डल्स इन लाइफ, हर सैटरडे दान करवाएं इनके नाम का, कोई भी नीडी पर्सन को फीड करें, कॉफ़ी सस्पेंड कर सकते हैं, सैंडविच सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए उन्नर लूप है, होता क्या है कि ऐसे लोग अर्ली एज से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, जीवन का ज्ञान बहुत अच्छे से, कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, उन चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगेन इनके हाथ में एक ये उन्नर लूप हमें दिखता है, ऐसे में क्या होता है इंसान अपनी लाइफ में ना जो सक्सेस मिलती है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये हर्डल्स, ये पढ़ाई में इसलिए हर्डल्स इनको थोड़े देखने पड़ रहे हैं, ग्रोथ में हर्डल्स। तो ऐसे में क्या होता है कि इन सबको, ये जितने भी नेगेटिव लाइंस हैं उनको सिंपली मेडिटेशन द्वारा ये सारी नेगेटिविटी फ्लश आउट हो जाती है, इनकी सबकी नेगेटिविटी फ्लश आउट होती है, ये धीरे धीरे करके हाथ में से हट जाती हैं नेगेटिव लाइंस और पॉजिटिव लाइंस का अच्छा असर मिलने लगता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी उन्नर लूप है, तो ऐसे में क्या होता है शॉर्टकट मनी मेथड सूट नहीं करते, अपनी मेहनत काबिलियत से ही चीज़ें बनाते हैं। और ये देखिए लॉटरी सट्टा जुआ ये सब चीज़ें सूट नहीं करेंगी। यहाँ देखिए ये लर्निंग में दिक्कत, ये बुद्ध लर्निंग का भी कारक है, ये देखिए ये हर्डल्स आना,
तो जैसे मैंने उपाय बताया है वाया मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब में हमें क्या मिलता है। अब देखिए थंब में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। जब भी इस प्रकार का चक्र का निशान थंब में आता है, राइट हैंड के थंब में, तो राइट हैंड का थंब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थंब एक तो हमारा ब्रेन होता है, पूरे हाथ को पावर देता है, और यहाँ पर जो थंब है ये क्या होता है, थंब हमें बताता है कि ये चक्र का निशान, कि हाथ में कोई अच्छा सिंबल हो या ना हो, लेकिन ये पूरे हाथ को कंट्रोल करता है। हमारे स्किल्स, एक होता है ना इंसान के अंदर खूब स्किल्स होना, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए ये यव का निशान, आइलैंड का चिन्ह बताता है एक अच्छे परिवार में जन्म लेना और परिवार के मान मर्यादा फॉलो करना और एक सपोर्ट सिस्टम, एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना। यहाँ पर देखिए विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा जो नुकसान हो रहा है, लॉजिक प्लानिंग पर वर्क करें तो चीज़ें और अच्छी बेटरमेंट हो सकती हैं। और थंब की बात करें तो लाइफ में जो एक बार ठान लेती हैं वो ठान लेती हैं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, ये चीज़ ये थंब बता रहा है, मजबूत थंब है ये। कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसा फेज़ आता है जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन अब ये फेज़ ख़त्म हो रहा है, एंड पे आ रहा है, तो चीज़ें अपने आप सॉर्टेड आउट इनके जीवन में होने लगेंगी। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए हाथ में यहाँ पर इस प्रकार का उड़ना लूप है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो जीवन में क्या होता है कि देरी से सक्सेस आती है, परंतु काफ़ी अच्छी सक्सेस आती है। और ये देखिए यहाँ पर ये इनके हाथ में इस प्रकार से ये हर्डल्स दिख रहे हैं, देखिए नेगेटिव लाइंस, ये सब इम्पैक्ट किया हुआ है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये सारी फ्लश आउट हो जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए ये इस प्रकार से उड़ना लूप है, राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो लेसन्स ऑफ लाइफ सीखते हैं, बहुत अर्ली एज से लेसन्स ऑफ लाइफ सीख जाते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है सूर्य की फिंगर पर, हमने राइट हैंड में अंगूठे पर चक्र का निशान देखा था, यहाँ लेफ्ट हैंड में सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान देखा है। ऐसे में इंसान अपने टैलेंट स्किल को बहुत यूज़ करता है, और लेफ्ट हैंड का चक्र का निशान, सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान इंसान को इनबॉर्न टैलेंट लेके भेजता है। ये पढ़ाई में पहले बहुत अच्छी रही होंगी, काफ़ी इनके जैसे होता है ना कि इंसान आगे बढ़ता जाता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये देखिए ये हर्डल्स, ये ब्राइट स्टूडेंट की है आगे, तो ये ब्राइट स्टूडेंट होने की अश्योरिटी देता है। अब यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से उन्नर लूप हमें दिखता है, और उन्नर लूप दिखने जैसा हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो इंसान को अपने जीवन में सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से ही चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, चीज़ें डेवलप करते हैं, ये इस तरह की हैंड में दिखता है, शॉर्टकट मेथड से नहीं बनेगा। और होता क्या है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपनी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेते हुए, अब प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हुए आगे जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। अब इनके हाथ में चलते हैं पर्वतों के यानी माउंट्स की ओर, तो माउंट्स में देखें हमें क्या मिलता है। उससे पहले हम इनका थंब देखेंगे कि थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उड़ने लूप हमें दिखता है, और ये उड़ने लूप हमें बताता है कि जैसे जीवन में कितने भी हर्डल्स आए, ऐसे लोग हार नहीं मानते, आगे ग्रोथ सक्सेस पा के दिखाते हैं। ये देखिए ये भी अगेन मन में शांति नहीं है इनकी, ये परेशान है, जैसे होता है ना दिमाग में बहुत परेशानी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, लाइन्स हल्की हैं, समय के साथ साथ ये धीरे धीरे ये फ्लश आउट हो जाएंगी। अब 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में दो चक्र के निशान मिलते हैं, एक हमने इनके थंब पे चक्र का निशान देखा और एक हमने देखा इनके सूर्य की फिंगर पे लेफ्ट हैंड में। दोनों चक्र के निशान काफ़ी ऑस्पिशियस हैं और लाइफ में काफ़ी ग्रोथ सक्सेस देने वाले हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट में अच्छा अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए अच्छा ग्रोथ सक्सेस ये पा लेंगे। अब चलते हैं इनके हाथ में इनके माउंट्स पर, देखें माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाथ में गुरु का जो पर्वत है, गुरु का पर्वत थोड़ा डाउन है। यहाँ पर क्या होता है, जब गुरु का पर्वत डाउन होता है तो इंसान के जीवन में थोड़ी खुशियाँ प्रॉस्पेरिटी की कमी आ रही होती है। येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, येलो कलर का यूज़ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, येलो टॉप, येलो स्टोल, तो येलो बहुत बढ़िया है इनके लिए, लेमन येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें इनके हाथ में तो ये देखिए क्रॉस का चिन्ह साइन है, लाइफ पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलना, और ये देखिए थोड़ा अध्यात्म की ओर भी, थोड़ा रिलीजियस माइंडेड होना, थोड़ा मैंने जैसे होता ना कि इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर मन लगना, वो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं हाथ में।
यहाँ पर शनि पर्वत थोड़ा डाउन है, जैसे कि मैंने कहा जीवन में उत्साह की कमी होना, इस तरह की चीज़ थोड़ा दिख रही है। शनि की रेमेडी ये करेंगी, हर सैटरडे डोनेट करेंगी तो बहुत बढ़िया निकले रहेगा। यहाँ पर देखें तो एक लोटस का चिन्ह भी हमें दिखता है, लोटस का चिन्ह भी बहुत बढ़िया है, लक्ष्मीवान बनाता है इंसान को, लाइफ में अच्छी प्रॉपर्टी लग्जीरियस चीज़ें इंसान बनाता है और धन संपत्ति बनाता है। यहाँ पर देखें इनके हाथ में एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। अब इनके हाथ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेज़ आता है जीवन में जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, बस वही एक फेज़ की वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, बाकी चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाती भी दिख रही हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य की रेखा बहुत अच्छी इनके हाथ में चल रही है, देखिए त्रिशूल नुमा निशान इनके हाथ में आ रहा है ये इस प्रकार से। तो जीवन में कुछ बड़ा बनाना, वो चीज़ का टैलेंट भी हमें दिखता है। सूर्य में भी थोड़ा सा डाउन दिखता है, तो जैसे पिता के मन में परेशानी चलना या जैसे थोड़ा काम ग्रोथ में थोड़ा दिक्कतें आना, उसके लिए थोड़ा अंडर द स्काई, थोड़ा धूप में बैठे, अगर धूप नहीं है तो अंडर द स्काई बैठे, उससे सूर्य इनका इनका सन जो है वो बलवान होगा, पावर मिलेगी सन को। यहाँ पर देखें हाथ में ये काफ़ी नेट हमें दिखता है, ये देखिए ये काफ़ी कट्स क्रॉसेस बहुत ज़्यादा हमें दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से इनके ठीक हो जाएंगी। 3 से 6 महीने में अपने आप सारे ये जितने भी रेखाओं का जाल, नेगेटिव लाइन्स, ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, ये देखिए बुध पर्वत अच्छा है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी जैसे पफी टाइप हो रहा है, जैसे पहले से जैसे होता है ना कि कोई चीज़ ये उभर के आ रहा है, पहले से बेटर होता जा रहा है डे बाय डे, ये वो चीज़ भी हमें दिख रही है। यहाँ पर देखें मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत आउटर मार्स ये बहुत अच्छा है। अब ये देखिए आउटर मार्स भी इनका डेवलप हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है हाथ में पहले से इम्प्रूवमेंट आना, वो चीज़ लग रहा है। इनर मार्स है थोड़ा सा जैसे अंदर से डर चलना, पता नहीं सब अच्छा होगा नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ का डर जो है दिमाग में वो थोड़ा सा बैठा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पेरेंटल सपोर्ट बहुत अच्छा इनके हाथ में दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया पेरेंटल सपोर्ट दिख रहा है। देखिए चंद्रमा थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो जैसे कि मेंटल स्ट्रेस है, थोड़ा जैसे होता ना कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से चंद्रमा डाउन दिखता है। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, कुछ चांदी की चीज़ गले में पहन सकते हो, या तो चांदी क्या चेन पहन लीजिए, या चांदी का सिक्का, चांदी का कॉइन जो सिल्वर कॉइन है वो अपने साथ रखें, या सिल्वर चेन पहन लें, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये देखिए शुक्र पर्वत, ये यहाँ पर वीनस इनका अच्छा है, ये देखिए लाइफ में लाइफ अच्छी, लग्जीरियस लाइफ जीना, लाइफ को एंजॉय करना, वो आगे जीवन में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये मैं इनको यही बोलूँगी कि इस जस्ट अ फेज़, कभी कभी जीवन में ऐसा फेज़ आता है, लेकिन धीरे धीरे करके उन प्रॉब्लम से, उन फेज से, उन दिक्कत परेशानियों से बाहर आ जाएंगी। है अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखिए लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर भी अगेन गुरु पर्वत थोड़ा सा डाउन है, तो येलो कलर का लेमन येलो कलर का यूज़ बढ़ाने से ये शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए ये गुरु पर्वत बताता है कि एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, लोग आपका ध्यान रखने के लिए, आपके ऊपर बड़े बुजुर्ग का साया है, एक बड़े बुजुर्ग का एक आशीर्वाद आपके ऊपर हमें दिखता है, ब्लेसिंग्स दिखती हैं। यहाँ पर शनि पर्वत बेटर है, तो यानी कि आपको जो है ऊपर वाले की शक्ति का हाथ मिलता रहेगा और चीज़ें प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे। यहाँ पर देखें तो एक बहुत ही बढ़िया एक फिश का सिंबल हमें दिखता है, बहुत ही बढ़िया, तो जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखा रहा है। पिछले पास्ट बर्थ से आप बहुत कुछ अच्छा कैरी करके लाए हो, पूर्व पुण्य रेखा हमें दिखाती है कि वह पास्ट बर्थ से बहुत कुछ अच्छा कैरी करके लाए हो और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके हाथ में हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस प्रकार से ये लूप हमें दिख रहा है, जॉली नेचर्ड होना। देखिए बुध पर्वत अगेन हाथ में काफ़ी बढ़िया है, तो हाथ में टैलेंट स्किल आप काफ़ी बाय बर्थ लेकर आए हो, लर्निंग पावर्स बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत अंदरूनी मंगल कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता हुआ दिख रहा है, इनर मार्स में भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता हुआ दिख रहा है कि अंदर से भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बाहर से भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत थोड़ा बेटर होता जा रहा है उस हैंड के कंपैरेटिवली, ये देखिए ये फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स भी इनके हाथ में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए
शुक्र पर्वत यानी वीनस, वो भी बेटर दिखता है, जैसे लाइफ को एंजॉय करना, लग्जरियस लाइफ होना, वो सारी चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। अब इनके हाथ में लाइंस पर आते हैं, इनकी लाइंस क्या बताती हैं। देखिए इनके हाथ में जो प्रेजेंट समय है ये देखिए ये, और बाकी देखिए ये बेटरमेंट होता जा रहा है, तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। ये एक फेज़ था जो कि अब निकल चुका है, अब चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। ये देखिए ये थोड़ा स्ट्रेस लेने की आदत इनको बनी हुई है, इसलिए इतने कट्स हमें दिख रहे हैं। जैसी मेडिटेशन करेंगी तो ये अपने आप ही सभी चीज़ें फ्लश आउट हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया माइंड लाइन है, लर्निंग पावर्स बहुत अच्छी हमें दिख रही हैं, अपने स्किल को यूज़ करने वाला हैंड ये है। ये देखिए यहाँ पर भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है इनकी, तो कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं दिख रही। हार्ट लाइन ये देखिए, ये जल्दी भरोसा करने के कारण चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, ये चीज़ें तो या बात को दिल पे ले लेना, बहुत टाइम तक सोचते रहना, वो चीज़ का प्रॉब्लम। तो लेकिन आगे चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिख रही हैं। भाग्य रेखा की बात करेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा है और यहाँ से निकलती हुई, देखिए बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा है। जीवन में यहाँ पे चेंजेस भी दिखा रही है, 18 ईयर्स की एज में अच्छा चेंज आना जीवन में, और ये देखिए ये बेटरमेंट की ओर आगे कुछ चेंजेस हैं, कहीं दूर शिफ्ट होने का योग भी बनता है और ग्रोथ सक्सेस के लिए देखिए चलती जा रही है। यहाँ पर भी एक फ़िश फॉर्मेशन है, राइट हैंड की तरफ फ़िश फॉर्मेशन हमें हाथ में दिख रही है, तो खूब धन संपत्ति बनाना। 35 इयर्स की एज में काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट है, एक 20 इयर्स की एज में, एक 28 इयर्स की एज में, 35 इयर्स की एज में बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट हमें इनके हाथ में दिख रहा है। ओवरऑल हैंड बहुत अच्छा है, प्रॉस्परिंग हैंड है, हमने फिश के साइन भी इनके हाथ में देखे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ सक्सेस भी हमें इनके हाथ में दिखती है, और जैसे समय समय पे एक होता है ना अपने स्किल को यूज़ करना, टैलेंट को यूज़ करना, वो भी हमें इनके हाथ में दिखता है। तो ओवरऑल जैसे कभी कभी होता है लाइफ में कुछ फेज़ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वही दिख रहा है। दो चक्र के निशान भी हमने देखे सूर्य की फिंगर पर, और साथ में हमने अंगूठे पर देखा, तो जो अब इंसान को काफ़ी बेनिफिट्स देता है। ये देखिए देखिए लाइन भी इस प्रकार की बनती जा रही है, अपना स्किल बेस्ड वर्क, कंसल्टेंसी वर्क भी करने वाला हैंड ये हमें दिखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हैंड काफ़ी अच्छा प्रॉस्परिंग गिविंग हैंड है, और लाइफ में बहुत कुछ इन्हें मिलेगा, और जो मैंने इनको उपाय बताए वो उपाय करें, उससे इन्हें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।